सुप्रभात, मैं निशा रावत देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। सम्मान समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, टॉपर्स को करेंगे सम्मानित। ट्विटर में मची खलबली, अब 3000 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी में है एलन मस्क। नोएडा में आरटीओ का बड़ा एक्शन, 1,19,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा कैंसिल। CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार के लिए चीन और पाकिस्तान राजी, भारत ने किया विरोध। बांग्लादेश ने विराट कोहली पर लगाया फेक फील्डिंग का आरोप, मैच के बाद भड़ा बवाल। अब खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बेमौसम ही जलने लगे जंगल, 2 दिनों में 5 घटनाएं, वन विभाग बेखबर। यमुनोत्री विधायक ने CM को लिखा पत्र, शीतकालीन विधानसभा सत्र देहरादून में करवाने का किया अनुरोध। UJVNL के विद्युत ग्राहकों से रिकॉर्ड उत्पादन, MD ने दी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का कानूनी अधिकार, सतपाल महाराज ने कहा पंचायतों को मिलेगी मजबूती। रुड़की में बड़ा हादसा, कारखाने में लगी भीषण आग, 65 साल के चौकीदार की जिंदा जलकर मौत। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। जय हिंद।